नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी कुंदन और चारुल। और हम लोग हाजिर हैं न्यूज इंडिया पर T20 वर्ल्ड कप की महा कवरेज लेकर, जहां आपको मिलेगा भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ा हर अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को मैच होना है, ये तो आप सब जानते ही है। लेकिन जहां एक तरफ फैंस में जोश है चारुल और कुंदन अपनी टीम इंडिया के लिए, वहीं दूसरी तरफ 24 अक्टूबर को होने वाले इस मैच को लेकर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। भाजपा की तरफ से इस मैच के खिलाफ लगातार विरोध के सुर उठ रहे थे, लेकिन इस बीच अब AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेले जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं में हमारे नौजवान शहीद हो चुके हैं, मगर मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ मैच खेलने जा रही है। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में भारतीयों की जान के साथ T20 खेलने में जुटा है और ऐसे माहौल में आप पाकिस्तान के साथ T20 मैच खेलेंगे, ये सवाल पूछा है। आइए सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि ओवैसी ने क्या कहा। 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9। 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। तो सुना आपने ओवैसी को कि कुंदन और चारुल जिस तरीके से लगातार मैच पर सियासत हो रही है, आप दोनों इस बात से कितने सहमत हैं? सबसे पहले कुंदन, आपकी राय कि मैच होना चाहिए या फिर मैच रद्द होना चाहिए? देखिए निधा, कल भी मैंने कहा था कि कूटनीति अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है और सियासत का ही ये पार्ट है। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की बात आपने सुनी तो सीधे तौर पर वो विरोध तो कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच के मैच को लेकर के जो 24 तारीख को होने वाला है, लेकिन वो सियासी तीर भी चला रहे हैं। वो सीधे तौर पर मोदी गवर्नमेंट को निशाने पर ले रहे हैं। वो एक तरफ मैच का विरोध कर रहे हैं लेकिन उनका निशाना दरअसल मोदी गवर्नमेंट के फैसले पर है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि देखिए, कूटनीति अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है। खेल को खेल के मैदान में खेलने दीजिए, राजनीति चलती रहेगी, कूटनीति चलती रहेगी, तीनों को अलग रख करके देखना होगा, क्योंकि इन सब के बीच फैंस जो है बड़ी बेसब्री से 24 तारीख का इंतजार कर रहे हैं भारत पाकिस्तान मैच को लेकर के। चारुल, आप कितनी सहमत है इन बयानों से? निधा, देखिए, कहावत होती है कि राजनीति की जड़ें इतनी गहरी हैं, आप इसे जितना समझने की कोशिश करेंगे ये उतनी गहरी होती जाएगी। तो यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, जबकि खेल भावना बिल्कुल उलट है। यहाँ पर आप देखिए, क्रिकेट के प्रशंसक जो हैं, और मुझे लगता है हम तीनों भी बहुत बड़े क्रिकेट प्रशंसक हैं और हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मैच का, लेकिन इसे ना कर जो पॉलिटिशियंस हैं वो मैच के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैच होना चाहिए क्योंकि प्रशंसक जो है लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, जीतना या हारना एक अलग चीज है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच का जो क्रेज होता है वो हमेशा फैंस के सर चढ़कर बोलता है। बिल्कुल, और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है चारुल कुंदन के, जब विरोध हो रहा हो। इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि लगातार जो विरोध के सुर थे वो हमें देखने को मिलते थे जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच की बात आती थी। तो वैसे इससे पहले भी कई और नेता ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खेले जाने वाले इस मैच को रद्द करने की लगातार मांग कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह, आपको याद होंगे, उन्होंने भी हाल ही में कहा है कि घाटी में बढ़ते आतंकवाद को देखते हुए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर पुनर्विचार जो है वो किया जाना चाहिए। उनका साफ ये कहना था कि मेरी नजर में ऐसे माहौल में मैच खेलने का कोई मतलब नहीं है। गिरिराज सिंह के साथ ही साथ पंजाब सरकार के मंत्री हैं प्रगट सिंह, उन्होंने भी भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने की वो भी मांग कर चुके हैं। ये आपको सुनाते हैं गिरिराज ने क्या कहा था। पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। तो चारुल कुंदन, सुना आपने कि कैसे लगातार मांग जो है वो यही उठ रही है हर तरफ से कि मैच को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि एंड मौके पर जब 24 तारीख में बहुत कम वक्त बचा है, बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसे में क्या फैसला सही होगा? देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। आप देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से गिरिराज सिंह, पीएल पुनिया कांग्रेस की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी और बाकी लोग भी लगातार कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आपको यह करना चाहिए था, शेड्यूल मैच है, सबको पता था, आज से 6 महीने पहले पता था कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है और वर्ल्ड कप में जो मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच भी होगा, तब कोशिश करते, तब ICC के पास जाता BCCI और वहां पर ये अपील की जाती कि देखिए मुझे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है, तब कुछ नतीजे निकल सकते थे। अब कुछ नहीं हो सकता, आप सबको पता है कि अब मैच शेड्यूल है, अब से कुछ दिनों के बाद मैच होने वाला है, तब इस तरह की बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ सियासत दिखती है, इससे तरह कुछ नहीं दिखाई देती।
और जो फैंस हैं, जो आप मैदान पर जाकर के बात कीजिएगा, आप निदा मैं जाता हूं मैदान पर क्रिकेट के मैदान पर, तो वहां पर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैच हो भारत पाकिस्तान। देखिए कूटनीति अपनी जगह है, पाकिस्तान जो कर रहा है वो जग जाहिर है, पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेज रहा है, नौजवान हमारे शहीद हो गए हैं, हालांकि जवान बदला ले रहे हैं, पाकिस्तान की नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है, भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन क्रिकेट को अलग तरीके से भारत के कम से कम क्रिकेट प्रशंसक देखते हैं और राजनीतिक धड़े को भी अलग तरीके से देखना चाहिए मेरे ख्याल से। पीएल पुनिया का जिक्र यहां पर चारों लाऊंगे आपके पास, पीएल पुनिया का जिक्र आपने किया, जल्दी से अपने दर्शकों को पीएल पुनिया का भी वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान खुल्लम खुला आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसके पूरे पुख्ता प्रमाण है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच T20 का मैच होना किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं नजर आता और उसे निरस्त किया। पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ है, अब पहले सिविलियंस को टारगेट करते थे, अब आर्मी को भी सीधे टारगेट कर रहे हैं जिसमें अनेक हमारे वीर जवान और अफसर शहीद हुए हैं। इन परिस्थितियों में किसी भी तरह से जो T20 का मैच, क्रिकेट मैच प्रस्तावित है वो उचित नहीं है। इधर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने भी यह साफ कह दिया है कि कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और ऐसे में भारत पाकिस्तान मैच रद्द किया जाना चाहिए। उनका साफ यह कहना है कि पाकिस्तान जो कड़ा संदेश देने की जरूरत है पाकिस्तान को इस वक्त और इस नजरिए से इस मैच को रद्द करने का कदम जो है वो उठाना चाहिए। चारुल क्या लग रहा है, अगर मैच रद्द होता है तो पाकिस्तान को कड़ा संदेश जाएगा हिंदुस्तान की तरफ से? देखिए सबसे पहली चीज है कि निदा अब वो गुंजाइश ही नहीं बची है कि मैच रद्द किया जाएगा। दूसरी चीज जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कुंदन ने भी जिक्र किया, कूटनीतिक चीज अलग है, राजनीति अलग है। यहां पर अगर हम नेताओं के बयानबाजी की देखें, अगर विपक्ष के नेताओं की बात करें तो वो उनका मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधना, मैच होना या ना होना उनके लिए कुछ नहीं है, मैच को सिर्फ एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर बात अगर हम देखें और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हम वो तस्वीरें नहीं भूल सकते हैं। आज तक का इतिहास आप देखिए, हमेशा पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में इंडिया जीती है, तो कौन नहीं चाहेगा वो तस्वीरें देखना जब पाकिस्तान में टीवियां फोड़ी जाती हैं, या फिर वो तस्वीरें कौन भूल सकता है? कम से कम मैं नहीं भूल सकती, कुंदन आप भी नहीं भूल सकते हैं, और हम सभी को पता है कि नतीजा क्या होने वाला है। तो राजनेता हैं, वो राजनीति करेंगे, उनका काम है राजनीति करना, लेकिन ऐसे में खेल भावना को नहीं भूलना चाहिए। और जो टीवी फोड़ने का जिक्र किया चारुल आपने, तो मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, पुरानी टीवी फोड़ते हैं पाकिस्तान वाले इतने अमीर नहीं है कि वो नई टीवी खरीद करके फोड़े या चलती हुई टीवी, वो पुरानी टीवी फोड़ते हैं, उसे कई सबूत सामने आ चुके हैं। उन्हें क्योंकि अभी कोई भी फैसला या कोई भी विरोध जो है अंतिम पड़ाव में नहीं पहुंचा है, लिहाजा इंतजार है 24 तारीख का जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का यह मैच होगा और इस मैच से जुड़ी हर खबर सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। तो आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।